बात सुशांत की मौत मिस्ट्री की। सीबीआई आज एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। कल 10 घंटे तक रिया को सीबीआई के सवालों का सामना करना पड़ा था। रिया ने कल कई बार अपना आपा भी खो दिया। पूछताछ के दौरान ड्रग्स केस में रिया के नए व्हाट्सएप चैट आने के बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं रिया की। सुशांत की मौत मिस्ट्री से जुड़ी सभी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 सुशांत में आप देखिए। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही सीबीआई आज फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। कल सीबीआई ने पहली बार रिया चक्रवर्ती से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। रिया के साथ उनके भाई शोविक से भी लंबी पूछताछ हुई थी। दोनों से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई ने सवाल जवाब किए थे। सीबीआई की पूछताछ में रिया ने 8 हार्ड डिस्क नष्ट करवाने के आरोपों से इनकार किया। सुशांत केस में आरोप में घिरी रिया चक्रवर्ती अब अपनी ही गुत्थी में उलझती नजर आ रही हैं। सीबीआई के तीखे सवालों पर रिया की जुबान लड़खड़ा रही है। शुक्रवार को मुंबई में हुई पूछताछ में सीबीआई ने पहले रिया को 2 घंटे में अपनी सफाई में बात रखने को कहा। इसके बाद सीबीआई ने सवालों की झड़ी लगाई तो रिया की जुबान लड़खड़ाने लगी। तीखे सवालों पर कई बार तो वो अटकी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रिया से सुशांत से उनके रिश्ते 8 जून को सुशांत के घर छोड़ने की वजह को लेकर सवाल किए। सीबीआई ने रिया से ये भी पूछा कि यूरोप यात्रा के दौरान क्या हुआ था, कब वो सुशांत को इलाज के लिए लेकर गई। रिया से ये भी पूछा गया कि आखिर उन्हें सुशांत की मौत के बारे में कब पता लगा, उन्हें किसने सूचना दी इसकी। 3 जांच एजेंसियों के कसते शिकंजे की झल्लाहट अब रिया चक्रवर्ती में दिखने लगी है। सूत्रों के मुताबिक कल सीबीआई की पूछताछ में रिया ने कहा कि सुशांत की अपने परिवार से नहीं बनती थी। सुशांत के साथ उसका रहना भी उनकी बहनों को पसंद नहीं था, इसी वजह से सुशांत के साथ उनके झगड़े भी होते थे। 8 जून के बाद से सुशांत के संपर्क में नहीं था। सुशांत ने दूसरों के जरिए उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। कल रात करीब 9 बजे सीबीआई से लंबी पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस से सीधे सांताक्रूज थाने पहुंची। पुलिस सुरक्षा मिलने के बाद ही रिया यहां से घर पहुंची। रिया ने 2 दिन पहले भी अपनी और परिवार की जान को खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत की थी। रिया के पिता भी पुलिस से मीडिया के जमावड़े को लेकर शिकायत कर चुके हैं। सीबीआई ने अपनी जांच के 8वें दिन भी लगातार सिद्धार्थ पिठानी से लंबी पूछताछ की। पिठानी के साथ सुशांत के कुक नीरज, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और दूसरे कुक केशव से दिन भर सीबीआई ने पूछताछ की। पिठानी और नीरज ने कई बार अपने बयान बदले हैं। सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स हैं जिसने 14 जून को सुशांत को कमरे में फंदे से नीचे उतारा था। आज भी पिठानी समेत इन सभी से पूछताछ हो सकती है। रिया चक्रवर्ती से जुड़े ड्रग्स मामले में एक और व्हाट्सएप चैट सामने आया है। इस चैट में उनकी सैमुअल मिरांडा से बातचीत है। रिया इस चैट में ड्रग्स को लेकर बात कर रही हैं। वो कहते हैं कि 1-2 भी बचा है। इस पर सुशांत के स्टाफ आयुष उस पर जवाब देते हैं रोलिंग। ये सभी चैट्स अगस्त से जुलाई 2019 की हैं। ड्रग्स केस में एनसीबी रिया समेत 6 लोगों पर केस दर्ज कर चुकी है। रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ईडी से और डिटेल मांगी है। रिया ने जिस गौरव आर्या से ड्रग्स को लेकर बात की थी वो अबू असलम कासिम आजमी के संपर्क में था। आजमी नशे का बड़ा सौदागर कैलाश नितिन कुमार राजपूत के लिए काम करता था। कैलाश दुबई में बैठकर ही भारत में ड्रग्स की सप्लाई करता है। सुशांत केस में ईडी भी लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। ईडी ने गोवा में गौरव आर्या के होटल पर नोटिस लगाया है। नोटिस में 31 अगस्त तक गौरव आर्या को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। ड्रग्स को लेकर रिया से व्हाट्सएप चैट में गौरव आर्या का नाम सामने आया था। ड्रग्स को लेकर गौरव आर्या का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी होने की बात सामने आई है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।